ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा की मौत को लेकर पूर्व सैनिक संगठनों ने आज स्टेशन मैनेजर से इस मामले में जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए रेलवे की ओर से मुआवजा राशि देने की भी मांग की गई है। उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि रेलवे सुरक्षा बल या फिर जीआरपी प्रबंधन का कोई भी सदस्य पीड़ित परिवार को ना तो सांत्वना देने पहुंचा, ना ही उनके घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। मेरा नाम अरविंद सिंह तोमर है, पूर्व सैनिक अध्यक्ष ग्वालियर चंबल संभाग। और जो बड़ी ये दुख का विषय है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है कल शाम के 8 बजे ग्वालियर स्टेशन पर। हमारे सेना के अभी सेना में पदस्थ थे सूबेदार कृष्णकांत शर्मा जी, कल वो अपनी छुट्टी व्यतीत करके और यूनिट के लिए अपने यहाँ से ग्वालियर से रवाना हो रहे थे। उस विषय में उसी बीच में गोवा ट्रेन में उनका रिजर्वेशन था ट्रेन में, और वो चढ़ते समय वो ट्रैक के अंदर चले जाते हैं और ट्रैक में अंदर फंसने के कारण वो ट्रेन से उनकी कट के कल मृत्यु हो गई। तो इस विषय को लेके आज हमने रेलवे डिपार्टमेंट को जगाया, ये तो सो रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। एक देश की सेवा में जो सैनिक है और उसकी इस प्रकार से